करगिल युद्ध में जीत के नायकों में से एक विक्रम बत्रा पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। देश की जमीन से दुश्मनों को भगाने के दौरान विक्रम बत्रा शहीद हो गए थे। दरअसल 1999 में पाकिस्तान ने धोखे से करगिल की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया था। दुश्मनों को भारतीय सीमा से भगाने के लिए सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया था। दुश्मनों से लड़ते हुए 7 जुलाई को कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए थे। करगिल युद्ध के दौरान विक्रम बत्रा ने ये दिल मांगे मोर का नारा दिया था, जिसे आज भी याद किया जाता है। दरअसल करगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने 2 महत्वपूर्ण चोटियों को पाकिस्तानियों के कब्जे से छुड़ाया था। उन्हें शेरशाह के नाम से भी बुलाया जाता था। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। करगिल युद्ध के शेरशाह को देश हमेशा याद रखेगा। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा और मां का नाम कमल कांता बत्रा था। शुरुआती पढ़ाई पालमपुर से करने वाले विक्रम बत्रा ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए किया। उन्होंने एनसीसी में सी सर्टिफिकेट भी लिया था। 1996 के जून महीने में विक्रम बत्रा इंडियन मिलिट्री अकेडमी पहुंचे। 19 महीने की ट्रेनिंग के बाद 6 दिसंबर 1997 को आईएमए से ग्रेजुएशन किया। उन्हें 13वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन दिया गया था। 1999 के करगिल युद्ध में विक्रम बत्रा ने अदम्य साहस का परिचय दिया और पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया था। 5 जून 1999 को लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के बटालियन को द्रास भेजा गया। उन्हें राजपूताना राइफल्स के लिए रिजर्व रखा गया था। 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन को तोलोलिंग पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। 4 कोशिशों के बावजूद ग्रेनेडियर्स बटालियन को सफलता नहीं मिली। इसके बाद विक्रम बत्रा की बटालियन ने 13 जून 1999 को तोलोलिंग पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगा दिया। तोलोलिंग मिशन के बाद 0.5140 को जीतने की प्लानिंग पर काम शुरू हुआ। विक्रम बत्रा की टीम ने 0.5140 पर कब्जा जमाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। खुद विक्रम बत्रा ने मिशन को लीड किया और पाकिस्तानी घुसपैठियों को बुरी तरह परास्त किया था। इस जीत के बाद विक्रम बत्रा को कैप्टन बना दिया गया। मुस्को घाटी की 0.4875 पर कब्जा जमाने में भी विक्रम बत्रा ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। विक्रम बत्रा की टीम ने बंकरों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, ग्रेनेड हमले से मशीन गन को नष्ट कर दिया। विक्रम बत्रा ने कई पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिए। 0.4875 से घायल सैनिकों को नीचे ले जाने के दौरान विक्रम बत्रा को गोली लगी और वो शहीद हो गए। उनके सम्मान में पहाड़ का नाम बत्रा टॉप रखा गया। उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। कुछ समय पहले शेरशाह नाम से एक फिल्म आई थी, जिसमें विक्रम बत्रा की वीरता की कहानी को दिखाया गया। आज भी विक्रम बत्रा के साहस को याद किया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।